अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय में सलाहकार रामकुमार वालिया दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम में शरीक होते हुए उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि जल्दी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। किसान आंदोलन छोड़कर खेतों की तरफ जाएंगे। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने 7 महीने से धरना प्रदर्शन कर रखा है और वह अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एक बहुत अच्छा कृषि कानून हमारी सरकार ने पेश किया था, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे किसान भाइयों को गुमराह करके उनको आंदोलन के रास्ते में मजबूर किया। लेकिन अब हमारी सरकार का प्रयास है, हमारा प्रयास है कि उनकी भ्रांतियों को दूर किया जाए। जो भी डाउट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन पर खुले दिल से बात हो, और मैं इस प्रयास में अहम भूमिका अदा कर रहा हूँ। मेरी किसान नेताओं से भी बात हुई है, भाई राकेश टिकैत जी से भी बात हुई है, और लोगों से भी बात हुई है, और सरकार से भी मैं बात कर रहा हूँ। माननीय कृषि मंत्री जी से भी मेरी बात हुई है, कृषि राज्य मंत्री जी से भी बात हुई है। मेरा प्रयास है कि पुनः किसानों को, सरकार को बिठाया जाए एक मंच पर, खुले दिल से बात हो, जो भी उनकी समस्या है उसको सरकार सुने, उसको दूर करे, और इस आंदोलन को समाप्त कराकर पुनः किसानों को देश हित में, किसान हित में लगाया जाए।